आज मैं गया था कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने एक बिल्डर के ऑफिस में लेकिन बिल्डर ने मुझे कुछ ब्रोशर ही नहीं दिखाया इनफैक्ट जब हमने पूछा कि सर हमें ब्रोशर दिखाइए तो उन्होंने बताया कि सर इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ब्रोशर ही नहीं बनाया तो क्या ये प्रोजेक्ट सेफ है हमारे लिए आ, कहीं बिल्डर स्कैम तो नहीं कर रहे हमारे साथ तो ऐसे ही कुछ क्वेरीज आ रहे हैं हमारे पास तो हमारे क्लाइंट ने हमें बताया आ, उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि हेलो सर मौई मैं एटा प्रॉपर्टी साइसू मैं साइट पर आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ बिल्डरें ब्रोशर शो कर पारा ना सो इज़ इट सेफ टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी प्लीज़ रिप्लाई तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमें पूछा गया है एंड हमने इनसे फ़ोन पे भी बात किया था uh, सर मोरीगांव से है uh, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा एंड uh, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज हम इसी टॉपिक uh, के ऊपर डिस्कस करेंगे सो so, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आशा करता आप सभी बहुत अच्छा है मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है आज का आप हैश टैग इन्फो सैटरडे सीरीज वीडियो में तो uh, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ब्रोशर हो या ना हो उस बेसिस पे हमें किसी भी बिल्डर को जज करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं ब्रोशर्स बनाए बिना भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम करने का मतलब यह है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है बहुत ही जेन्युन है एंड ऐसे भी बहुत सारे बिल्डर्स है आ, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ बट ऐसे भी बहुत सारे बिल्डर्स है जो अच्छा अच्छा ब्रोशर बना के भी स्कैम कर रहे हैं तो ब्रोशर बना है या नहीं बना है उसके बेसिस पे हम आ, हमें किसी बिल्डर को जज नहीं करना चाहिए तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो हम कैसे देखें कि ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं अगर ब्रोशर नहीं है तो हम कैसे करके उसको ढूंढे या कैसे करके हमें पता लगाए कि वो प्रोजेक्ट जेन्युन है जो भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हो वो जेनुइन है कि नहीं तो मैंने चार पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी जेनुइन है कि नहीं आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं फर्दर आप स्टेप बढ़ा सकते हो कि नहीं सो आप हमें अंत तक इस वीडियो को देखिएगा एंड लास्ट जो पॉइंट है वो आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा क्योंकि

उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को आप अगर परमिशन है अथॉरिटी है फिर आप एक बार विजिट कीजिए उनके काम को देखिए उन्होंने कैसे करके काम किया है एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो कैसा होने वाला है उसका एक एटलीस्ट एक छोटा सा मिनिमल एक आइडिया आ जाएगा आपको तो बिल्डर का existing projects को आप देखना ना भूले चलिए अभी दूसरे पॉइंट पे जाते मैं ज्यादा एक टॉपिक्स को ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ तो सेकंड पॉइंट पे है हमारे पास कम्युनिकेशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तब भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो अगर आप आ, नो मैटर कि आप किसी एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी देखने जाओ किसी रिलेटिव फ्रेंड्स के रेफरेंस पे आप प्रॉपर्टी देखने जाओ बट प्लीज़ बिल्डर के साथ आपका एक प्रॉपर कन्वर्जेसन हो वो मैटर करता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आ, आप बिल्डर को बोलिएगा कि आ, आप उनसे मिलना चाहते हैं मिल के आप बात करेंगे जो भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसके बारे उ, उस साइट पर जाइए और बात कीजिए बिल्डर के साथ या फिर उनके ऑफिस में जाके आप बात कीजिए एंड अभी थर्ड नंबर पॉइंट है कि बैंक अप्रूव्ड आपका कौन कौन सा बैंक के साथ ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है एंड अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो एंड एट द सेम टाइम अगर उस प्रोजेक्ट में किसी एक्स वाई जेड कस्टमर ने भी अगर फ्लैट लिया हो उन और उन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट वगैरह किया है बैंक के साथ अप्रूव्ड हुआ है देन प्लीज़ आप उन अपने बिल्डर से रिक्वेस्ट कीजिए अगर वो बुरा नहीं मानते तो वो एग्रीमेंट आपको दिखाए बैंक ने जो अप्रूव किया है उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा है अगर बैंक अप्रूव कर रहा है मतलब आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके प्लॉट पे या बिल्डिंग पे तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सा बैंक के साथ अपना अप्रूव्ड है उसका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप मांगिएगा डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा तो ये था अपना थर्ड नंबर पॉइंट बैंक अप्रूव्ड एंड अभी हम बात कर लेते हैं नंबर फोर पॉइंट की एंड प्लीज इस पॉइंट को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा अगर आप किसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं भी आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये पॉइंट को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर नहीं है मतलब आपको नहीं लेना है वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में नहीं लेना है पैसा डूब जाएगा ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि परमिशन ऑफ ड्राइंग नंबर फोर पॉइंट है आपका परमिशन ऑफ ड्राइंग एंड आपका है एनओसी बाय जीएमसी एंड जीएमडी ये दोनों आपका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है परमिशन ऑफ ड्रॉइंग में आपका क्या होता है कि जो भी आप ड्रॉइंग जो भी बिल्डर ड्रॉइंग बनाता है या फिर जो भी डिजाइन होता है उसको अप्रूवल के लिए डालते हैं या फिर परमिशन के लिए डालते हैं अगर जीएमसी जी एम डी अगर अप्रूव कर रहे हैं दीन्स वेल एंड फाइन एंड एनओ सी बाय जी एम सी तो एनओसी so में आपका कितना यूनिट रहेगा कितना फ्लैट्स uh, रहेगा कितना पार्किंग रहेगा सारा छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डिटेल्स आपका इसमें रहेगा सो so, अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जाते हो दे प्लीज इस पॉइंट को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा परमिशन ऑफ ड्रॉइंग आप जरूर मांगिएगा सो uh, so आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जाओ ये परमिशन ऑफ ड्रॉइंग एंड एनओ आप जरूर मांगिएगा क्योंकि अगर ये है इसका मतलब ब्रोशर नहीं भी बनता है बट अगर परमिशन ऑफ ड्राइंग है और एन है दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ए प्लस पॉजिटिव जेनुइन है इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला पॉइंट आपको क्या करना है बिल्डिंग बिल्डर uh, का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को देखना है सेकेंड पॉइंट क्या है कम्युनिकेशन तीन नंबर पॉइंट अपना क्या है बैंक अप्रूवल बैंक अप्रूव है या नहीं एंड अपना फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है परमिशन ऑफ ड्राइंग एंड एन ओ सी बाई जीएमसी एंड जी एम डी तो ये था अपना चार पॉइंट अगर ये चार पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट अगर मैच होता है बिल्डर दे रहे हैं आपको देन डेफिनेटली यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड इन्वेस्ट योर मनी इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ uh, मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें लाइक like ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड एट द सेम टाइम अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें क्वेरीज को भेज सकता है व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा विद दैट से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा थैंक यू सो so मच मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय